नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनको नेगलेक्ट मत कीजिए। और दूसरा, जो आपके थ्योरी की बुक है एनके की NSQF लेवल 5 के हिसाब से जितने भी प्रश्न हैं उसमें, वो सारे देख लीजिए, क्योंकि आपके जो है आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आज का जो है दोस्तों, एक लघु परिणामित्र कुंडलन की आंतरिक परतों के बीच उपयोग होने वाला विद्युत रोधन होता है, किस प्रकार का होता है? बटर पेपर, ये ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बटर पेपर का यूज होता है, ध्यान रखना। जो हमारे छोटा परिणामित्र होता है उनकी वाइंडिंग के बीच लगाया जाता है, छोटे ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर की 3 स्वतंत्र द्वितीयक कुंडली जो 6 वोल्ट 1 एम्पियर, 24 वोल्ट 1 एम्पियर, 240 वोल्ट 0.5 एम्पियर के परिणामित्र की क्षमता की बताइए, क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी? ये हो जाएगी 120 वोल्ट एम्पियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मैट्रिक पद्धति में सुपर एनेमिल्ड कॉपर तार का साइज मापा जाता है, मैट्रिक पद्धति के अंदर किससे मापा जाता है दोस्तों? व्यास मापी जाती है उसकी MM के अंदर, मीट्रिक के अंदर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन, एक परिणामित्र को पुनः कुंडलित करने के बाद देखा गया कि कुंडलन भौतिक रूप से अच्छी दिख रही है, परंतु इसका प्रतिरोध मान एक निश्चित मान से कम है, इसका संभावित कारण है, क्या कारण होगा इसका दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नई वाइंडिंग की है जिसका रेजिस्टेंस एक निश्चित मान से कम है, तो इसका संभावित कारण क्या होगा? कुंडली में क्या है? नमी हो सकती है, मॉइस्चर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर उसकी वोल्टता के साथ जुड़ा हुआ है परंतु आवाज कर रहा है, यह इस कारण से होता है, अति भार से जुड़ा होना, कोर को गलत तरीके से स्टैक किया गया, को में अधिक हानियां होना, कोर प्रतिरोध अपर्याप्त होना। इसका सही आंसर हो जाएगा कोर को गलत तरीके से स्टैक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक शेडेड पोल मोटर में अतिरिक्त निम्नलिखित में से भाग नहीं होते, कौन सा भाग नहीं होता दोस्तों? रोटर। यहाँ पे ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है दोस्तों, रोटर तो होता है उसमें, ये ध्यान रखना है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारे पास होगा दोस्तों, जो होते हैं ब्रश होते हैं उसमें, ये ध्यान रखना है। क्लियर, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, बुश भी होते हैं, संधारित्र भी होता है, जो अपकेंद्रीय स्विच है ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, एक कैपेसिटर प्रकार की मोटर वाले टेबल फैन की घूमने की गति को कैसे बदलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही है सहायक तथा मुख्य कुंडली में से एक संयोजन बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक मोटर की कुंडलन में विद्युत डिग्री की गणना निम्न सूत्र से की जाती है, किस प्रकार से की जाती है दोस्तों? उपरोक्त सभी द्वारा की कर सकते हैं हम, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित वोल्ट एम्पियर क्षमता के लिए क्रोड का क्षेत्रफल कम किया जा सकता है यदि क्रोड के रूप में प्रयोग किया जाए, तो कोर को किस रूप में? उच्च एलॉय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक 14 पोल वाले कैपेसिटर पंखे की मोटर में एक या दो कुंडली संयोजन बदल गए हैं तब पंखा चलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चलेगा? धीरे धीरे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कैपेसिटर की पंखा मोटर में संधारित्र लघु परिपथ हो गया है तो पंखा चलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नहीं चलेगा, क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है। उच्च प्रेरकत्व होता है, हाई रिएक्टेंस जो है किस प्रकार की वाइंडिंग में होता है दोस्तों? मुख्य वाइंडिंग का उच्च प्रेरकत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत के पंखे में अंदर के खांचों में की जाती है, किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है दोस्तों? ये होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, छत के पंखे में संधारित्र प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? उपरोक्त सभी प्रकार के जो है संधारित्र इसलिए प्रयोग करते हैं, फेज विघटन के लिए, शक्ति सुधार के लिए, टॉर्क बढ़ाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, छत के पंखे की मोटर में कैपेसिटर की वोल्टेज क्षमता होती है, कितनी होती है दोस्तों? 350 वोल्ट से जो है 400 वोल्ट AC तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत के पंखे की वाइंडिंग करने के पश्चात संयोजन के लिए निकलने वाली लीड का साइज क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा C, 14x0.2 mm PVC। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, छत के पंखे को नीचे से देखा जाए तो इसके घूमने की दिशा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर की सहायक कुंडली में धारा प्रदाय वोल्टता से होती है, क्या होती है दोस्तों? अग्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए,
एक सिंगल फेज में सामान्यता की जाती है, किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है दोस्तों? संकेंद्रित कुंडलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इन हाफ कॉयल वाइंडिंग में कुंडली समूह संयोजन किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंत सिरे से शुरू के सिरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे डीसी आर्मेचर प्रयुक्त खांचे प्रयुक्त होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अर्ध खुले खांचे, सेमी ओपन स्लॉट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, समर्सिबल पंप की मोटर की वाइंडिंग निम्नलिखित में से कौन सा वायर यूज़ किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा वायर यूज़ करते हैं हम? पीवीसी कवर्ड, तांबे के तार। नेक्स्ट आपके लिए, यदि एक आर्मेचर के कम्यूटेटर का सेगमेंट डाउटेल जॉइंट के टूटने से बाहर आ जाए तो क्या होगा? तो इसका क्या होगा, पूरे कम्यूटेटर को बदल देना चाहिए क्योंकि जॉइंट टूट गया उसका। डीसी आर्मेचर में कुंडलन पर स्टील बैंड लगाई जाती हैं ताकि क्या होना चाहिए, इससे फ़ायदा क्या होता है? कोर से बाहर लटकी कुंडलन को बांधा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप वे वाइंडिंग में बैक पिच होती है, क्या होती है दोस्तों? कुंडली पिच के तुल्य, वाइंडिंग पिच के तुल्य। एक विपरीत परत कुंडलन में कुंडलियां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, किस प्रकार में करती हैं? सिंगल में, एकल परत वाइंडिंग में। नेक्स्ट है आपके लिए, तीन फेज कुंडली में फेजों के बीच अंतर होता है 120 डिग्री, ये तो सभी को पता है। प्रति फेज कुंडलियों की संख्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या हो जाएगी? कुंडलियों की संख्या बटे फेजों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक तीन फेज स्टेटर कुंडलन में स्लॉट की संख्या में फेज अंतर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 बटे डिग्री में स्लॉटों की दूरी। किसी रोटर के स्टेटर में कुंडलन में प्रत्येक स्लॉट के बीच ई इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है, कितनी होती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कुल विद्युत डिग्री बटे स्लॉटों की संख्या। नेक्स्ट आपके लिए, यदि एक कम्यूटेटर में डॉवटेल भाग के टूटने से कम्यूटेटर सेगमेंट बाहर आ जाए तो क्या होगा, इससे पूरे कम्यूटेटर को बदल देना चाहिए। वापिस वैसे का क्वेश्चन आ गया, स्लॉट में डालने वाले इंसुलेशन पेपर के सिरे पर्दाए मोड़े हुए होते हैं, तो ताकि इसे रोका जा सके, किसे रोकने के लिए? इसे स्लॉट में खिसकने से रोका जा सके। अंडर वह वोल्टेज फॉल्ट के दौरान किस प्रकार के रिले का प्रयोग उपकरण को खराबी से बचाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्टेज सेंसिंग रिले। एक छोटे दिशधारा आर्मेचर में स्लॉट का प्रकार होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेमी क्लोज्ड। नेक्स्ट आपके लिए, आर्मेचर वाइंडिंग में स्लॉट लाइनर के किनारों को दोनों ओर मुड़ा होना है, उसे क्या कहते हैं? कफिंग, कफिंग कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। यदि फ्रंट पिच और बैक पिच से कम हो तो वाइंडिंग किस प्रकार की होगी? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, वे वाइंडिंग। नेक्स्ट आपके लिए, यदि फ्रंट पिच बैक पिच से अधिक हो तो वाइंडिंग किस प्रकार की होगी दोस्तों? रिट्रोग्रेसिव या वेव वाइंडिंग। उसके बाद है, इलेक्ट्रिकल मशीनों की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल उत्पन्न होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा होता है दोस्तों? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए विद्युत वाहक बल। ड्रम टाइप आर्मेचर पत्ति में आर्मेचर कोर का आकार होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी, बेलन के आकार जैसा। रिंग आर्मेचर पत्ती में आर्मेचर कोर का आकार होता है, छल्ले के आकार जैसा। जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84, पोलों की संख्या 6, तो पोल पिच का मान कितना होता है दोस्तों? 14। कॉइल वाइंडिंग मशीन में मैंड्रल का क्या कार्य होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है मैंड्रल, कॉइल वाइंडिंग मशीन में तो मैंड्रल जो होता है यह बॉबिन को मजबूती से होल्ड करने में सहायक होता है। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों 43, उपरोक्त तीनों विधियां, ग्राउलर से, सीरीज लैंप टेस्ट और वोल्टेज ड्रॉप विधि। कॉइल को क्लॉकवाइज डालते वक्त कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं, तो इस प्रकार की वाइंडिंग को क्या कहते हैं? रिट्रोग्रेसिव या लैप वे वाइंडिंग।
एक कॉइल के दो किनारों के बीच नापी गई दूरी आर्मेचर स्लॉट और आर्मेचर कंडक्टर के संदर्भ में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉइल पिच कहलाएगी। चार पोल मशीन वाइंडिंग कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री होंगी, कितनी डिग्री होंगी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 720 डिग्री। नेक्स्ट आपके लिए, यदि किसी वाइंडिंग में कॉइल पोल फेजों की संख्या एक हो तो ऐसी वाइंडिंग को किस नाम से जानते हैं? सिमेट्रिकल वाइंडिंग, संकेंद्री वाइंडिंग। नेक्स्ट आपके लिए, स्किन लच्छी वाइंडिंग का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइंडिंग सेक्शन एसी मशीनों में। नेक्स्ट आपके लिए, इलेक्ट्रिकल मशीनों की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल उत्पन्न होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विद्युत वाहक बल।